कोरोना प्रलय के चलते देश के कई राज्यों में धारा 144 लागू है। इसी बीच 21 तारीख से लोगों को समझाया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, किंतु ऐसे ढीठ स्वभाव के लोग जो खुद की परवाह न करते हुए पूरे समाज को कोरोना संक्रमण की आग में झुलसा देना चाहते हैं, यही कारण है कि अनावश्यक रूप से घर के बाहर भटकते नजर आ रहे हैं। जबकि कोरोना वायरस केवल जागरूकता के माध्यम से ही लड़ा जा सकता है, जिसके लिए पुलिस, स्वास्थ्य और मीडिया के लोग खुलकर सहयोग दे रहे हैं, जिसके चलते पिथौरा में कोरोना के संदर्भ में जागरूकता हेतु TI के नेतृत्व में जो 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको कड़ाई एवं अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही साथ सारी दुकानें संस्थाओं को बंद कराकर जो लोग अनावश्यक ढंग से घूम रहे हैं उन लोगों को एक पर्चा पकड़ाया गया, जिस पर लिखा था कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं मास्क का प्रयोग नहीं करूंगा। इससे लोगों में शर्मिंदा का अनुभव देखा गया। जो लोग डंडे की मार से नहीं समझ पाते वो तिरस्कृत करने वाले पर्चे से समझ रहे हैं। लोगों के घर में रहने से घर परिवार और पूरा समाज सुरक्षित है, तो घर पर रहना ही ज्यादा हितकारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार के लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखना ना भूलें IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube पे हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।